हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चॉइस किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ देसी घी और मलाई बर्फी, या फिर आप इसे कलाकंद भी कह सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है एक कटोरी मलाई, जो घर में हमारे दूध से मलाई निकलती है वो, और अब मैं इसको एक पैन में डाल दूँगी और इसे गैस पर रख के पकाएँगे। मीडियम फ्लेम पर हमें इसे रखना है और कंटिन्यूसली हमें इसे चलाते रहना है। ये देखिए, मलाई हमारी थोड़ी मेल्ट हो गई है। इसी तरीके से बस चलाते हुए मलाई देखिए हमारी पूरी अच्छे से लिक्विड टाइप में आ चुकी है। इसको ऐसे ही मीडियम फ्लेम पर चलाते रहिएगा, बीच बीच में नहीं तो ये नीचे लग जाएगी। ये देखिए कितना गाढ़ी हो गई है। जो हमारा इसके अंदर छेना है ये अलग हो गया है और घी धीरे धीरे इसमें सेपरेट होते जा रहा है। ये देखिए घी की अच्छी एक जाली बन गई है, घी हमारा निकल गया है। बस इसको थोड़ा सा और पकाएंगे जब तक कि जो ये मावा है इसका कलर थोड़ा सा ब्राउन ना हो जाए और ये बिल्कुल बारीक ना हो जाए। ये देखिए छेना हमारा अच्छे से बारीक हो चुका है, घी भी हमारा पूरा सेपरेट हो चुका है। बस अब हम इसको क्या करेंगे, बंद कर देंगे गैस को और इसको ठंडा करेंगे, क्योंकि ये जो घी है ये गर्म ही रहता है थोड़ी देर तक। तो अगर हम ज़्यादा इसको पकाएंगे तो जो हमारा मावा है ये जल जाएगा। देखिए गैस मैंने बंद कर दिया, उसके बाद भी इसके अंदर कितना उबाल आ रहा है घी में, कितना गर्म है ये घी। तो इसको हम ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद देखिए मावे का कलर हमारा बिल्कुल गोल्डन ब्राउन आ चुका है, सुंदर सा कलर, यही चाहिए था हमें। और अब हम इसे मावे को अलग कर लेंगे और घी को छान कर हम अलग कर लेंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि एक कटोरी मलाई से हमने देखिए तकरीबन आधी से ज़्यादा कटोरी मावा निकाल लिया और एक कटोरी घी निकाल लिया, प्योर देसी घी। तो ये अब ये जो मावा है इसकी हम बनाएंगे मिठाई। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो मावा है अपना पैन में डालेंगे और इसके अंदर जितना हमारा मावा है उतनी ही हम चीनी डालेंगे और इसको अच्छे से पकाएंगे। चीनी को मेल्ट करने के लिए हम इसके अंदर डालेंगे आधा कटोरी दूध डालेंगे, ताकि जो हमारी चीनी है इस मावे के साथ अच्छे से घुल जाए। ये देखिए हमने दूध डाल दिया है, अब इसको हम मिक्स करेंगे और हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि ये गाढ़ा ना हो जाए टेक्सचर इसका। ये देखिए धीरे धीरे ये गाढ़ा होता जा रहा है, अच्छा इसमें कलर आ रहा है ये देखिए। और चाशनी भी हमारी जो चीनी है चाशनी बन गई है। अब हम इसके अंदर अपने कुछ ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, जिस जैसे कि मैंने डाला है इसमें फ्रेश कोकोनट, इसको मैंने कद्दूकस कर लिया था, और साथ साथ पड़ेंगे कुछ बादाम और काजू कटे हुए, और इनको भी हम इनके साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे जब तक कि ये जो हमारा टेक्स्चर है हार्ड नहीं हो जाता, थोड़ा टाइट नहीं हो जाता जमने लायक। ये देखिए हमारा टेक्सचर गाढ़ा होते ही जा रहा है। ये देखिए कुछ इस तरीके से हमें टेक्सचर चाहिए। अब हम एक प्लेट पे थोड़ा सा घी लगा लेंगे और ये जो हमारा टेक्सचर है ये हम इसको पलट देंगे इस पे। ये देखिए बिल्कुल इसने पैन को छोड़ दिया है, कहीं चिपक नहीं रहा है। अब बस इसको थोड़ा फैलाएंगे इक्वली इस तरीके से और इसे ठंडा होने देंगे। ये देखिए हमारी मिठाई ठंडी हो गई है और घी भी ठंडा हो गया है। अब हम मिठाई के जो है पीसेस कट करेंगे और इसको सर्व करेंगे। कोई भी शेप आप दे सकते हैं इसमें, डायमंड या स्क्वायर। मैं इसमें स्क्वायर शेप दे रही हूँ, आप चाहे तो डायमंड भी दे सकते हैं। ये देखिए मैं इसको कट कर रही हूँ और उसके बाद इसको सर्व करेंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।